उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का भयावह रूप देखने को मिल रहा है। जिस तरह से गाजियाबाद में कोविड 19 संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं मौतों का आंकड़ा भी कहीं न कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के कोहराम के बीच कोरोना संक्रमण और सामान्य मौतों से गाजियाबाद का हिंडन शमशान घाट भी अब फुल हो गया है। यहां आने वाले लोगों को अपने परिजनों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अंतिम संस्कार के लिए यहां लगाए गए शव अपनी बारी के इंतजार में सड़क किनारे फुटपाथ पर रखे दिखाई दिए। माहौल के अंदर देखा जाए तो हम लोग यहां पे आए हैं, हमें करीब करीब घंटा भर हो चुका है आए हुए, और देख रहे हैं तो यहां पे जो है वेटिंग चल रही है यहां पे। किस वजह से बता रहे हैं? कहते हैं भीड़ बहुत है अंदर, इस वजह से। जब कोविड का तो हमें नहीं बताया, बट हमें यही बताया गया कि अंदर वेटिंग चल रही है, इस वजह से जो है सर का मतलब मॉर्निंग में। और परिवार से कम जो है बड़ी मुश्किल तो हो ही रही है। हम 4-5 लोग आए हैं और 8 लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं। 4 लोग यशोदा हॉस्पिटल में और 3 लोग हमारे संतोष हॉस्पिटल में। तो जो एक्सपायर हुए हैं, क्या कोविड की वजह से ही एक्सपायर हुए हैं या कुछ और वजह भी है? प्लस मेडिकल हिस्ट्री थी उनकी। वहीं मोक्ष स्थल के संचालक मनीष पंडित ने बताया कि प्रतिदिन 8 से 10 डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए आती थी, लेकिन अब 35 से 40 डेड बॉडी अंतिम संस्कार को आ रही हैं। सर वजह है कि डेथ की संख्या बढ़ गई है। एक हफ्ते से जो है, एक हफ्ते पहले तक यहाँ प्रतिदिन जो है 8-10 बॉडी का संस्कार हो रहा था अभी, लेकिन ये है कि एक हफ्ते से रोज जो है 25-30 बॉडी का रोज का आना हो गया है। इस डेथ का संख्या मतलब बढ़ गया है, और कल से परसों से ये हालात हैं कि परसों भी यहाँ 35-40 बॉडियों का संस्कार हुआ है, इतना डेथ आया है। कल भी यही हालात रहा है, और कोविड का भी डेथ कल बढ़ गया है, 15 से ऊपर क्रॉस कर गया है कल भी, कोविड भी और इधर भी, तो उधर से इधर कल 55 क्रॉस कर गया है टोटल मिला के। और एक साथ सब बॉडियों को अंदर नहीं भेज सकते हैं, हर बॉडी को 15-20 मिनट में हम लोग लकड़ी वगैरह अरेंज करा के तुरंत भेजते रहते हैं अंदर। जब हम लोग कोविड वाला अलग है, हमारा इधर अलग है, हम लोग इधर व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोग अंदर 6 बॉडी को भेज देते हैं। 6 बॉडी में, हर बॉडी में 15-20 लोग की भीड़ आ रही है, तो अंदर 6 बॉडियों में 100-150-200 लोग पहुंच जाते हैं। उन लोगों को आधे पौने घंटे में अग्नि संस्कार करके हम लोग विदा करके फिर दूसरा बॉडी को भेजना चालू करते हैं। इतना ही समय लग रहा है। अभी सुबह से हम लोगों ने 10 बजे तक छिता उठा, लोगों ने फूल उठाया, खाली हुआ, हम 10 बजे से अभी 12 बज गया है। हम लोगों ने अभी 2 घंटे के अंदर अंदर 15 बॉडी को भेज के संस्कार करा दिया है, 2 बॉडी अभी ये वेटिंग में रह गया है। तो हम लोगों का प्रयास यही रहता है जितना जल्दी हो के सबका संस्कार सहयोग कराएं, यहाँ भीड़ भाड़ ना रहे, और लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि थोड़ा आपस में मास्क लगा के रहें, अपनी सुरक्षा से रहें, यहाँ भी बाहर भी भीड़ में ना जाएं, क्योंकि इस समय संक्रमण बढ़ने लगा है, ये हालात है सर। हालांकि प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार कोविड 19 संक्रमण से होने वाली मौत की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से एकाएक शमशान घाट पर शवों की लंबी लाइन लगी है, उसे देखकर साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं न कहीं प्रशासन के आंकड़ों में झोल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।